पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ज़्यादातर लोग छोटे कस्बों और देहात की शक्ल में रहते हैं और ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश गलाबानी और खेती बाड़ी है। देही इलाकों में ज़्यादातर लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। सूबा बलूचिस्तान अपनी रिवायती और कदीम खानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिनमें बलूची सज्जी, लांदी, काक, कुरनू नुमाया हैं। अस्सलाम वालेकुम, बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद। आज के हम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्थर पे किस तरह से रोटी बना सकते हैं। ये आप पत्थर देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको ये सिखाएंगे कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इस पत्थर पे जो रोटी बनाते हैं, हम लोग बिरौही में इसको कुरनू बोलते हैं, बलोची में काक बोलते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको उसकी थोड़ी सी तारीख बताएंगे और इसको आपको सिखाएंगे कि आप इस तरह किसको किस तरह से पत्थर पे रोटी बनाते हैं। तो शुक्रिया, पूरे वीडियो हमारे साथ रहिए। काक, जिसे पत्थर की रोटी भी कहा जाता है, रोटी की किस्म है जो रिवायती तौर पर बलूचिस्तान में बनाई जाती है। काक बलूच सकाफत का एक अहम पकवान है। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती, ये तेज़ आग की हिद्दत पे बराए रास्त पकाई जाती है। अपने जायके में काक रोटी बेहद लजीज होती है। कम सामान और आसानी से पकाने की वजह से काक खानाबदोश खानदानों की अहम डिश है। आटे को गोल पत्थर पर लपेटा जाता है, फिर इसे आग की अंगारों पर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। तैयार होने के बाद रोटी के अंदर गर्म पत्थर की वजह से ये बहुत देर तक गर्म रहता है। आमतौर पर काक को सज्जी के साथ पेश किया जाता है। पहले मरले में गोल और सख्त पत्थर का इंतखाब किया जाता है ताकि इस पर आटे को सही तरीके से लपेटा जा सके। दूसरे मरहले में पत्थरों को लकड़ियों के दरमियान रख कर आग लगाई जाती है ताकि पत्थर सही तरीके से गर्म हो जाए। कुछ पत्थर आग की तेज़ तपिश की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से इजाफी पत्थर डाल दिया जाता है और इनको 20 से 30 मिनट के लिए अंगारों में छोड़ दिया जाता है। जब तक पत्थर गर्म होते हैं, इस दौरान ख़ास चक्की के पिसे हुए गंदम के आटे में हस्पे जायका नमक डालकर गूंदा जाता है। आटे में पानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता गूंदा जाता है। आटे को सख्त रखा जाता है ताकि पत्थर के ऊपर लपेटने में आसानी हो। आटा गूंदने के बाद पत्थर के साइज के हिसाब से पेड़े बनाए जाते हैं। गरम पत्थर को आग से निकाला जाता है, इसके ऊपर मिट्टी और राख को साफ किया जाता है। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि पत्थर ज्यादा गर्म ना हो। गरम पत्थर था वो हमने आग से निकाल लिया है,
अभी थोड़ा सा ये बाहर इसको थोड़ी सी ये थे किर्री हम लोग बोलते हैं, तो उसके पत्तों से थोड़ी सी इसकी मिट्टी वगैरह वो साफ़ करेंगे। तो उसके बाद जो ये पेड़ा होगा, जो हमने पेड़ा बनाया था, तो ये अभी इसके ऊपर हम लपेटेंगे। पहले इसके लिए रूल यही है कि आप इसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो जल जाएगा, ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो इस पर हम लोग ये आटा है वो इसके ऊपर लपेट सकते हैं। तो इसके लिए रूल यही है कि इसको चिपकने नहीं देना है इसके ऊपर। तो अभी आप देख भी सकते हैं, तो इसको अभी आस्ते आस्ते इसी तरह ऊपर लपेटते रहेंगे। सही है, बस बस मानेंगे ठीक है। ये आखिर में इसको बंद कर देंगे। अमर करो अरुण, इसके बाद आटे से लपटे पत्थर को गरम कोयला या हमवार गरम पत्थर के ऊपर रखकर अंगारों पर पकाया जाता है। बिल्कुल आखिरी हिस्सा आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसको बंद कर दिया है उसने। अभी हमने वो आमतौर पे कोयले के ऊपर रखते हैं, हमने तो कोयले के बजाय हमने पत्थर गर्म कर दिए थे, हम उसके ऊपर ये रख दिए। अभी इसको बार बार मूव करते रहेंगे और वो आता कि चारों तरफ से वो पक जाए और वो जल न जाए। इस दौरान काक को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता है ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। जब काक चारों तरफ से पक कर हल्का ब्राउन होता है तो इसे दस्तरखान में लपेटा जाता है। इसके बाद कुरनू को बलोची सज्जी के साथ मेहमानों को पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा बलोची सज्जी है वो तैयार हो चुका है। तो उसको हम बलोची, जो हमारा कुरनू कहते हैं, काक है इसके साथ और
रोटी के साथ खाएंगे। तो शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।